हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट किया था Amazon की मेगा फैशन डे सेल स्टार्ट हो रही है, आप कौन से वीडियो देखना प्रेफर करोगे? बैग्स, फुटवेयर, स्किन केयर, मेकअप, क्लोथिंग, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मैंने दिए थे, बट मुझे ऑलमोस्ट यही रिप्लाई आया था कि बैग्स से रिलेटेड वीडियो हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बैग्स का ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस बार जस्ट मैंने एक ही ब्रांड को कंसिडर किया है, दैट वन इज कैप्रिजी। आई लव दिस ब्रांड, मतलब बहुत अच्छे स्पेशियस और अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं। काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, कुछ तो मेरे पास पड़े हैं जो कि 2-3 साल से पुराने हो चुके हैं और एज इट इज वो है, बट ये जो कलेक्शन है पूरा न्यू है, काफी ट्रेंडी है और काफी प्यारे प्यारे से कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, अमेजोन पे स्टार्ट हो चुकी है मेगा फैशन डे सेल, जो कि 5 जुलाई से 9 जुलाई तक है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स पे 50-70% तक का ऑफ मिल जाएगा। सो ये जितने भी बैग्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काफी कम प्राइस पे अभी अवेलेबल है। सो अमेजोन की जुलाई वाली सेल होती है ना, मेगा फैशन डे या प्राइम डे सेल, मतलब इन सेल्स को आप कभी भी मिस मत करा करो यार, मतलब बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक्स मैं आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यस, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट वन इज दिस वन, ये है बहुत प्यारा सा बॉटल ग्रीन कलर का, दिस मतलब बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आपको एक बो मिलेगा और जितने भी हाई एंड ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत सिंपल ही मिलेंगे, बिल्कुल भी ताम झाम या ऐसे लटकन पटकन इधर उधर चेन पेन ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपलिसिटी एंड बहुत सोबर वाले बैग्स मिलेंगे। सो क्वालिटी आप देखो कितनी ज्यादा सुपर्ब है, एकदम PU मटेरियल है, काफी सॉफ्ट है और काफी अच्छा है, मतलब वाटर प्रूफ आप इसको बोल सकते हो, मतलब रेनी सीजन में भी आप लेके जाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऊपर आपको मिलेगी ये वाली जिप एंड अंदर आपको मिलता है, एक मिनट इसका कचरा निकाल देती हूँ पहले मैं। सो एक बेल्ट आपको मिलेगा जिसको आपको स्लिंग करना होगा, यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हो दोनों साइड में ही। सो सेम कलर कॉम्बिनेशन का आपको बेल्ट मिलेगा एंड अंदर आपको मिलेगी इतनी अच्छी वाली स्पेस। सो पीछे भी यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है अंदर की साइड में, इनफैक्ट इसके बैक साइड में भी आपको ये वाला कंपार्टमेंट मिलेगा। सो जनरली मुझे स्लिंग बैग में ना ये जो पीछे कंपार्टमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा जरूरी लगते हैं, मतलब इसमें आप कॉइन्स रख सकते हो, अपने कीज वगैरह रख सकते हो, काफी कन्वीनियंट होता है, मतलब पूरा बैग आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो यस, लुक एट दिस स्टाइल, काफी ज्यादा प्रिटी है और दिखने में भी बहुत सोबर है। सो यस, इसके अंदर कलर ऑप्शन अवेलेबल थे बट मैंने ये बॉटल ग्रीन कलर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब व्हाइट ड्रेसेस के साथ या आप ब्लैक वगैरह कुछ पहनते हो सबके साथ ही काफी अच्छा लगेगा। सो यस, दिस इज द ओवरऑल लुक। सेकेंड बैग है गाइस, वो लिया है मैंने हल्का सा पार्टी स्टाइल का, मतलब अगर आप नॉर्मल कहीं पे भी कोई बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या कहीं पे भी जा रहे हो, बट नॉर्मल कोई भी छोटी मोटी पार्टी वगैरह पे जा रहे हो तो इसको कैरी कर सकते हो। सो यस, दिस इज द सेकंड बैग, लुक एट दिस, मतलब कलर देखो इसका कितना प्यारा है, एकदम रोज पिंक कलर का इसका कलर है एंड यहाँ से आपको इसको ओपन करना होगा एंड उसके बाद आपको मिलता है कुछ अंदर इतना स्पेस। सो स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके साथ आपको इस तरह की गोल्डन कलर की चेन मिलती है आपको हैंग करने के लिए। सो नॉर्मली अगर आप चाहो कि आपको जस्ट नॉर्मल हाथ में कैरी करना है तो इस तरीके से हाथ में भी कैरी कर सकते हो, यहाँ से आप इन चेन्स को ईजिली निकाल सकते हो। सो अंदर ये मिलेगी आपको इतनी स्पेस। तो यहाँ पे भी आपको एक पीछे अपना कैश वगैरह रखने के लिए एक जिप दी है, एंड फैक्ट इसके बैक साइड में भी आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगी कॉइन एंड कीज वगैरह रखने के लिए। तो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड लुक आप देखो कितना प्रीमियम है, मतलब आप नॉर्मली हर एक आउटफिट्स के साथ इसको कैरी कर सकते हो, साड़ी के साथ या आपने कोई हैवी ड्रेस पहनी है, इंडो वेस्टर्न पहना है, हर के साथ ही काफी अच्छा बैग है। गाइस, वो लिया है मैंने एकदम ऑरेंज एंड थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, ब्राउन एंड ऑरेंज टच में है। सो जो मटेरियल है थोड़ा सा टाइट है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। सो यहाँ से आपको इसको ओपन करना होगा एंड अंदर आपको मिलेगी इतनी अच्छी स्पेस। सो स्पेस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, इसका शेप भी बड़ा डिफरेंट सा है, इस तरह का पोटली स्टाइल में शेप है। सो अंदर आपको इतनी स्पेस मिलेगी इसके अंदर, लुक एट दिस। सो अगेन यहाँ पे भी आपको जिप मिलेगी, बैक साइड में भी आपको जिप मिलेगी एंड लुकिंग आप देखो। सो इसके अंदर भी गाइस काफी सारे कलर ऑप्शन है, मरून है, व्हाइट है, ब्लैक है, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है, मतलब थोड़ा सा ना बैग्स का एकदम कॉन्ट्रास्ट में कैरी करने का ट्रेंड है, मतलब आप जैसा आउटफिट आपने पहना है उससे थोड़ा सा अलग सा बैग कैरी करोगे ना तो काफी अच्छा लगेगा। डैम गुड, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आपको चाहिए, डिफरेंट स्टाइल का, थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ, तो यू मस्ट गो फॉर दिस। वो है एक छोटू सा स्लिंग बैग। सो नॉर्मली कभी जब आप आउटिंग पे जाते हो
नीचे सोसाइटी में वॉक करने जा रहे हो, नॉर्मल सब्जी लेने जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बैग की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही चाहिए कि एक मोबाइल लिया, थोड़ा सा कैश रखा और घर की कीज रखी। तो ये बहुत छोटू सा बैग है, यहाँ से आपको इसको ओपन करना होगा और अंदर आपको फ़ोन वगैरह इजीली आ जाएगा। मैं अपना फ़ोन रख के आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, मतलब फ़ोन भी रख सकते हो, पीछे की साइड आप यहाँ पे कैश रख सकते हो। इनफैक्ट इसके पीछे भी यहाँ पे जिप है, तो जिप में भी आप काफ़ी कुछ सामान रख सकते हो पीछे साइड में। एंड ये कुछ इसका लुक है। सो यहाँ पे आपको चेन मिलेगी, बाकी ओवरऑल यहाँ पे ये पूरी लेदर की डिटेलिंग है। सो इसका भी लुक काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आएगा। इनफैक्ट इसके अंदर भी कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, बट मैंने डार्क कलर में लिया है क्योंकि इसको ना जनरली रफ एंड टफ ही यूज़ करना होता है। जैसे बच्चे को स्कूल से पिक करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, कुछ कीज वीज ही रखनी है, तो उस पर्पज़ से मैंने ये वाला बैग लिया है। बाकी लुक आप लोगों के सामने है, लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सिंपल सा है बट अपने आप में काफ़ी क्यूट सा है ये। सो यस, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बैग, और इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैंने बाय किया है वाइट कलर में क्योंकि मेरे पास वाइट कलर में ना इस तरह का बैग नहीं है। मतलब छोटू सा है बट इतना बड़ा नहीं है। सो जनरली अभी ना थोड़े से इस तरह के जो बड़े बैग्स को कैरी करने का ट्रेंड है। सो लुक एट दिस, मतलब ये है ओवरऑल बैग। सो यहाँ पे आपको इस तरह का टेक्सचर मिल जाएगा पूरे इस बैग के अंदर। ब्रांड का नाम मेंशन है और सो सिल्वर कलर की आपको चेन मिलेगी। एंड ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे एक चेन मिलती है। अगेन ये बहुत स्पेशियस है गाइज, मतलब आप नॉर्मल आउटिंग वगैरह पे जा रहे हो, काफ़ी सारा सामान आपको लेके जाना है ना, तो आप इजीली इसको लेके जा सकते हो। अंदर जिप है एंड इसके बैक साइड में जिप नहीं है क्योंकि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, मतलब एकदम ना पार्टी बैग्स है। मतलब पार्टी में आप लेके जाओगे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रेंडी लगेगा। सो इस बैग की सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाना है, लाइक अपने हाथ में इस तरह से कैरी करना है, तो आप चेन्स को इस तरह से रख के और अपने हाथ में भी कैरी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बड़े स्टाइल में चाहिए तो आप इस तरीके से थोड़ा सा हैंग भी कर सकते हो साइड में। सो प्रॉपरली क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। लुक एट दिस, मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई रुई को अपने हाथ में ले रहे हो, इतना ज्यादा सॉफ्ट है। सो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक अभी आपको 1200 समथिंग में मिलेगा, बट मैंने जब ये लिया था तब 1800 में लिया था, बट अभी इसकी प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई है। यस, दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बैग। जो बैग है गाइस, दैट वन इज दिस वन। ये भी काफी ज्यादा प्यारा बैग है, मतलब इसका टेक्सचर आप देखो, इसकी क्वालिटी आप देखो, आपको देख के ही पता चलेगा। सो ये कुछ आपको इस तरह के शेप में मिलेगा। यहाँ पे आपको चेन मिलती है, अंदर भी आपको काफी अच्छा वाला स्पेस है। इनफैक्ट इसके बैक साइड में भी आपको चेन मिलेगी और स्पेस आप देखो कितना सारा है। एंड बैक साइड में भी आपको यहाँ पे जिप मिल जाती है। सो जिप की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इसकी अपने आप में क्वालिटी काफी ज्यादा सुपर्ब है। मतलब आप कैरी करते हो ना तो लगता है कि यस हमने कुछ अच्छा कैरी किया है। सो नॉर्मली आप ऑफिस जा रहे हो, आप टिफिन बैग आपका अलग है, आपको बहुत ज्यादा ऑफिस में नहीं लेके जाना होता है। सो ये मैं आपको प्रेफर करूंगी कि दिस फुल्ली ऑफिस टाइप बैग, मतलब है बट स्पेस काफी अच्छी है, काफी सारा सामान आप रख सकते हो। डेली आप यूज करोगे तो यार इसे गंदा वंदा भी नहीं होगा। इसका टेक्सचर इतना ज्यादा प्रिटी है, मतलब एक शाइन है अपने आप में इसके अंदर। सो यस, ये भी काफी कम प्राइस का है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 700-800 में आपको ये कैप्रिजी का स्लिंग बैग मिल जाएगा अभी। सो यस गाइस, ये थे कुछ 5 से 6 बैग जो रिसेंटली अभी मैंने बाय किए हैं। लुकिंग बहुत प्यारी है एंड क्वालिटी के अंदर तो हम डाउट कर ही नहीं सकते, कैप्रिजी ब्रांड है तो यार क्वालिटी तो आपको देगा ही। दो थोड़े से कॉस्टली है, मतलब 800 से 1200 के बीच में आपको मिलेंगे, बट एक बार आपने बाय कर लिया ना इस तरह के क्वालिटी वाले बैग, तो आपको साल, 2 साल, 3 साल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप मतलब बोर होके फेंकते हो उनको, बट इन बैग्स का कुछ नहीं बिगड़ता है। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।